हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लेकर आई हूँ पापड़ की रेसिपी, जिसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और इसे धूप में सुखाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप यानी 100 ग्राम उड़द की दाल है ये, और बिना छिलके वाली दाल है जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो इससे पहले मैंने इसको थोड़ा टॉल में रख कर पोंछ लिया है, जो भी धूल और गंदगी है वो निकल जाएगी, या फिर आप इसे धोकर सुखा लें उसके बाद आप पाउडर बनाएं। इसे आप मिक्सर के चटनी वाले जार में रखकर ही पीसें, इससे बहुत ही बढ़िया फाइन पाउडर तैयार होता है। ये देखिए पिस चुका है हमारा दाल, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बारीक पिसा हुआ है, बिल्कुल पाउडर जैसा। लेकिन इसमें कुछ कुछ थोड़े थोड़े दाने हैं, तो एक बार इसे हम छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमें फाइन पाउडर चाहिए। इसे छानने के लिए बारीक वाली छन्नी का इस्तेमाल करें। और ये देखिए मैंने इसे छान लिया है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, लेकिन एक चौथाई छोटा चम्मच डालें। नमक डालें इसमें स्वाद के अनुसार, या आधा छोटा चम्मच डालें। मिला लें इन सबको अच्छी तरह से। अब हमें इसका एक सख्त आटा तैयार करना है, तो 3 बड़े चम्मच मैं पानी डाल रही हूँ। आप थोड़ा और कम करके पानी डालकर इसका डो तैयार करें, ताकि ये गीला ना हो, बिल्कुल सख्त तैयार होना चाहिए। मैंने 3 बड़े चम्मच पानी डाला है, तो बिल्कुल परफेक्ट ये मेरा डो बना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा सख्त डो तैयार हुआ है। उड़द की दाल गुथने के बाद बहुत ही स्टिकी होती है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। और तेल मिलाने से क्या होता है कि इसका मॉइस्चर बना रहता है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता। और इसके बाद अभी हमें अच्छी तरह से इसे गूंथना है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो हाथ से हम नहीं कर सकते हैं, तो अभी किचन स्लैब पर आप थोड़ा ऑयल लगा लें, और जो खलबट्टा है ना, जो पेस्टल होता है, उससे हमें इसे कूटना है, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। अभी मैंने इसे किचन स्लैब पर कूटना स्टार्ट किया है। इसके पहले मैं टेबल पर कर रही थी, तो टेबल पर नहीं हो सकता। और इसे अच्छी तरह से लगातार कूटते जाएं, थोड़ा मेहनत है, और ये प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका आटा बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, तो पापड़ आप नहीं बना सकते। अभी देखिए कितना ये नरम हो गया है, और अभी खींचने में बिल्कुल स्टिकी है, बिल्कुल फट नहीं रहा है। तब इसका एक बनाएं रोल अच्छी तरह से, और छोटे छोटे साइज में आप इसकी लोइयाँ बना लें एक बराबर काट कर। अब थोड़ा सा सूखा मैदा लें, या फिर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें लोइयों को इस तरह से प्रेस करें, चिपटा कर लें, और पूरे मैदे में इसको कोट करें, तब आप इसे बेल लें। तेल लगा कर बिल्कुल नहीं बेलना है, नहीं तो पापड़ फटना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से आप बेलते जाएं, बिल्कुल पतला पतला बेल लें, और बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी फटेगा नहीं, क्योंकि इसको हमने इतना स्मूथ बना लिया है कि फटने का कोई चांस नहीं है। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल पतला सा बेला पापड़। आप अगर अच्छा गोल बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शेप अच्छा नहीं आया। बढ़िया शेप बनाने के लिए कोई कटोरी या ग्लास लें, और उससे एक साइज का काट लें। इससे काफ़ी खूबसूरत बन जाता है पापड़, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, और ये मार्केट में मिलने वाला जो पापड़ है ना, एग्जैक्ट वैसा ही बनता है। ये प्लेन उड़द की दाल का पापड़ है, इसमें मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं डाला है। अच्छा लगता है काफ़ी। और इसी तरह से सारे पापड़ को हम बेल लेंगे। दोस्तों जो भी इसका इंग्रेडिएंट है, जितना मेजरमेंट जो भी मैंने लिया है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप वहां से जाकर देख लें। और देखिए मैंने पापड़ सारे बेल लिए हैं, और बिल्कुल एक साइज के बने हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और सारा जो मैदा है ना, डस्ट कर लें इसको थोड़ा झाड़ कर इस तरह से। इस पापड़ को धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो पापड़ फट जाएगा। और इसे आप पंखे के नीचे ही घर में 2 घंटे सुखा लें, अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है। जब ये पापड़ सूख जाए, तो आप एयर टाइट बॉक्स में सुरक्षित रख सकते हैं, और आप इसे 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और ये जो कटिंग बचा था ना, वेस्ट वाला पार्ट, तो आप इसे ऐसे ही सुखा लें, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, ये भी बहुत अच्छा लगता है। या फिर इसका डो बनाकर फिर से आप पापड़ बना सकते हैं।
बहुत ही सिंपल सा ये पापड़ है और ये बहुत ही खस्ता लाइट होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप भी अपने घर पर जरूर से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी पापड़ की रेसिपी कैसे लगी। वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल के बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें।